हेलो 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 दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से खत्म गेमर चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए मिथ बस्ट वाली वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों आज कौन कौन से मिथ हमारे पास आए हैं, कौन से मिथ होने वाले हैं बस यहाँ पर से। तो करते हैं दोस्तों लेट्स प्ले होली। तो दोस्तों हमारा जो पहला मिथ आ रहा है स्टंबल स्कोर से आ रहा है। स्टंबल स्कोर मैप में अगर हम किसी दूसरे प्लेयर की हेल्प से स्कोर नेट के ऊपर चढ़ सकते हैं, तो देखते हैं दोस्तों हम दूसरे प्लेयर की हेल्प से स्कोर नेट के ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं। करते हैं दोस्तों इसको मिथ को कंफर्म करते हैं क्या बस्ट करते हैं। तो करते हैं दोस्तों प्ले। भाई बहुत कोशिश कर लिए अभी तक नहीं चढ़ पाए, बॉल भी बन चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कोशिश कर ली हमने, हम जाते देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं। बहुत कोशिश कर दी है इस बार, मुझे लग रहा हम कर देंगे यहाँ पर से। और दोस्तों बिल्कुल हम दोनों बॉल बन गए थे, दोनों की बॉल बनने की मदद से हम चढ़ चुके हैं स्कोर के ऊपर यहाँ पर से। भाई ये दोनों ये मिथ तो बिल्कुल कन्फर्म है दोस्तों, आप जरूर से ट्राई करना, बहुत मुश्किल से होगा ट्राई जरूर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। दोस्तों दूसरा हमारा जो मिथ आ रहा है यहाँ पर से रॉकेट रंबल मैप से आ रहा है। रॉकेट नगर मैप का कॉर्नर वाले फ्लैग के पास खड़े होके रॉकेट मारेंगे तो हम सीधा बॉर्डर के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों ये मिथ कंफर्म है कि नहीं, हम चढ़ पाएंगे बॉर्डर के ऊपर कि नहीं। देखते हैं दोस्तों मिथ कंफर्म है कि नहीं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मैप के अंदर, देखते हैं बिल्कुल फ्लैग के सामने खड़े होते हैं, उसमें मारते हैं एक बार। मैं बिल्कुल हमें रॉकेट फोड़ दिया पर ऊपर नहीं चढ़े, फिर एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहना चाहिए दोस्तों, तभी जाके ऊपर पर चढ़ पाएंगे हम। गलत जगह रॉकेट चलेगा भाई हमारा, भाई फिर से हमने रॉकेट चलाया फिर भी नहीं गए हम ऊपर, फिर भी कोशिश करेंगे, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक हार नहीं मानेंगे। इस बार तीसरी बार ट्राई किया पर इस बार भी कुछ नहीं हुआ, क्या पता मिथ बस हो सकता है, पर अभी हम ट्राई करते रहेंगे। और इस बार हमने ट्राई किया भाई, हम इस बार चढ़ चुके हैं बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर चढ़ चुके हैं रॉकेट डाल के। भाई ये मिथ बिल्कुल कंफर्म है दोस्तों, बिल्कुल आप बिल्कुल ट्राई करना इस मिथ को, बहुत ही बढ़िया है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो आप, दूसरे पिलर के उसमें जा सकते हो, भाई ये वाला मिथ कंफर्म है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों अगला मिथ हमारा जो आ रहा है कैनोन क्लिम से मैप से आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कैनोन क्लिम मैप में अगर हम बॉल हमारे ऊपर टकराती है, अगर कैनोन क्लिम मैप में अगर हमारे ऊपर बॉल टकराती है तो हम फ्लोर के आर पार हो जाते हैं। देखते हैं दोस्तों ये मिथ कंफर्म है कि नहीं, जरूर से ट्राई करेंगे इसको भी। करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हम यहाँ से बढ़ चुके हैं आगे की तरफ, देखते हैं बॉल का इंतजार करते हैं, डायरेक्ट मेरे सर पे पड़नी चाहिए तभी मैं नीचे आर पार हो पाऊंगा, नहीं तो आर पार नहीं हो पाऊंगा। अभी भी बॉल मेरे सर पे नहीं गिरी है, मेरे को सही से पोजीशन लेनी पड़ेगी पहले। भाई तीन बॉल तो बिल्कुल जा सकी साइड में पर अभी तक कोई बॉल नहीं गिरी, ये बॉल पड़ चुकी है भाई, बिल्कुल मैं आर पार हो गया। दोस्तों ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, दोस्तों ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, आप भी जरूर ट्राई करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ कौन सा है हमारे पास। दोस्तों जो अगला मिथ आ रहा है ब्लॉक डेस्क से मैप से आ रहा है। ब्लॉक डेस्क मैप में आठ ब्लॉक वाले सिंगल वॉल के पास अगर हम हग इमोट यूज करते हैं तो दूसरे प्लेयर पे तो वो उसके आर पार हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों ये मिथ कंफर्म है कि नहीं, देखते हैं ट्राई करते हैं। आ चुके हैं ब्लॉक डेस्क के अंदर, देखते हैं भाई यहाँ पर हग इमोट यूज करना है, जो आठ ब्लॉक वाली हमारी है इसमें हग इमोट यूज करना है। तो भाई मेरे प्लेयर ने मुझे हग इमोट यूज कर दिया है और भाई बिल्कुल मैं आर पार हो गया दोस्तों, ये मिथ बिल्कुल दोस्तों कन्फर्म है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे पर ये मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, मैं ट्राई कर चुका हूँ अपने दोस्त को, उनको मैं आर पार कर चुका हूँ दोस्तों, ये मिथ बिल्कुल कन्फर्म है। देखते हैं नेक्स्ट मिथ कौन है हमारे पास। दोस्तों अगला मिथ हमारा आ रहा है बोट बेस मैप से आ रहा है। दोस्तों बोट बेस मैप में अगर हम लावा के सामने टोंट इमोट यूज करते हैं तो हम नीचे नहीं गिरते हैं। तो दोस्तों देखते हैं मिथ कंफर्म है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला आप सभी के, तो देखते हैं इस मिथ कंफर्म कि नहीं। अब वेट करते हैं लावा गिरने का, लावा गिर चुका है फिलहाल, हमें उसके सामने खड़ा होना है। तो लावा के सामने टोंट इमोट करते हैं, टोंट हमने कर दिया है हमारे इमोट, तो भाई हम बिल्कुल भी आर पार हम नीचे नहीं गिरे, हम वहीं पर खड़े रहे। भाई टोंट इमोट बिल्कुल काम आने वाला है लावा के सामने, एक बार फिर से ट्राई करेंगे, देखते हैं गिर पाते हैं कि नहीं। भाई ये जब तक कीड़े हमें बचने देंगे कि नहीं, यहाँ पर से टोन रिमोट करेंगे हम फिर से। ओ भाई टोन रिमोट मैंने करा नहीं अभी, अब करूंगा, भाई करने नहीं दे रहा, टोन रिमोट बिल्कुल नीचे गिरा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। भाई दोस्तों ये वाला मिथ बिल्कुल कन्फर्म है, आप जरूर से ट्राई करना, दो तीन बार आप ट्राई करना, बिल्कुल सही है मिथ ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ। दोस्तों जो अगला मिथ आ रहा है गोल्डन सेंसेई एंड गोल्डन रैबिट के टेक्सचर सेम है, तो देखते हैं दोस्तों टेक्सचर सेम है कि नहीं, बिल्कुल देखते हैं अभी, मैंने अभी तक आज तक देखे नहीं पर इस बार ट्राई करते हैं क्योंकि मिथ आया था हमारे पास भी। तो गोल्डन सेंस है हमारा यहाँ पर से ये रहे और देखते हैं गोल्डन रेबिट है, भाई देखते हैं इनके आगे पीछे में कुछ तो है। भाई सेम यहाँ पर से था, साइड में देख सकते हो बिल्कुल सेम सा नाम लिखा हुआ है, आप साइड में देख सकते हो सभी लोग, भाई बिल्कुल ये वाला मिथ भी कन्फर्म है, जैसे उनके सामने लिखा है टोपी में भी उसमें भी बिल्कुल ये मिथ कन्फर्म है। तो दोस्तों हमारा अगला मिथ आ रहा है पंच इमोट एंड बनाना इमोट का एनिमेशन बिल्कुल सेम है, तो देखते हैं दोस्तों ये मिथ कन्फर्म है कि नहीं, तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। भाई ये रहा हमारा
पहला पंच वाला, तो इसका एनिमेशन बिल्कुल सेम है और बनाने वाले का बिल्कुल सेम है भाई, दोनों यहाँ पर से बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला मिथ भी कंफर्म है दोस्तों। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ खत्री गेमर के साथ, ऐसे नए नए मिथ लेके आते रहेंगे आपको। जिसको भी वीडियो पसंद आई, जिसको भी नए नए मिथ पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो भी नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।